हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आप अपने चेहरे को यानी कि स्किन को ग्लोइंग एंड वाइट कैसे बना सकते हैं, यानी कि कलर एकदम चेंज हो जाएगा आपका। अगर आपने रेमेडी ट्राई कर ली तो आपके कलर में फेयरनेस आ जाएगी और आपका जो चेहरा है, हाथ है, वो अलग ही ग्लो मारेंगे और चेहरे पे जो हाथ पे जो झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, यानी कि बहुत लोग ठंडे गर्म पानी में हाथ देते हैं तो हाथों में अलग ही झुर्रियाँ पड़ जाती हैं और चेहरा थोड़ा एकदम, सर्दियों या गर्मियों में हम लोग बाहर निकलते हैं धूप के अंदर तो एकदम मुरझा सा जाता है। तो इस तरीके से अगर आप रेमेडी घर पे ट्राई कर ली तो मैं आपको गारंटी से बता सकती हूँ कि आपका जो चेहरा है वो ग्लो मारेगा और जो आपके हाथ जो आप ठंडे और गर्म में डालते हैं पानी में, जिससे हाथों में अलग ही झुर्रियाँ सी पड़ जाती हैं, हाथ फटने से लग जाते हैं, वो एकदम नहीं फटेंगे और जो चेहरा है वो यानी कि कलर भी आपका फेयर होने लगेगा। अगर आप इस रेमेडी को बार बार में ट्राई किए तो, यानी कि एक हफ्ते में 2 से 3 बार ट्राई कर लिए तो ये देख सकते हैं, आलू लिया है। आलू तो वैसे भी बहुत यूज़फुल होता है हमारी स्किन के लिए, जो हमारी स्किन के नीचे जो डार्क सर्कल होते हैं उसको भी ख़त्म करता है और जैसे कि हमारे स्किन में जो झुर्रियाँ होती हैं उनको भी ख़त्म कर, एंड इसलिए हम लोगों को आलू को तो बिल्कुल रिकमेंडेड करना है। यानी कि अगर आप सो रहे हो उससे पहले भी आलू का रस, केवल आलू का रस चेहरे पे लगा सकते हैं। आलू को काट के इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, आप आलू को काट के और उसको यानी फेस के ऊपर लगा लीजिए और रात को सो जाइए। इससे जो रिज़ल्ट है वो अलग ही दिखेगा, आपके नीचे जो काले काले धब्बे हो जाते हैं आँखों के नीचे, डार्क सर्कल हो जाते हैं, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, पिंपल्स हो जाते हैं, एंड जो वाइट वाइट जो ब्लैक ब्लैक से चेहरे पे अलग ही निशान से हो जाते हैं उनको भी एकदम ख़त्म करेगी। कभी कभी जैसे हम लोगों के पिंपल्स होते हैं और एकदम चेहरे पे वो दाग रह जाते हैं, उनको भी एकदम ख़त्म कर देंगे। तो इस तरीके से आलू का रस है वो मैंने निकाल लिया है और देख सकते हैं आधा आलू यूज़ किया था और कितना रस निकला इसके अंदर, कितना यानी कि जूस निकला है आलू का। तो इस तरीके से आलू के तो इतने फ़ायदे हैं कि आप इसको नॉर्मली अलग भी लगा सकते हैं, किसी चीज़ के साथ मिला के भी लगा सकते हैं। और आलू के रस से हम हमारे चेहरे में निखार ला सकते हैं, हमारा चेहरा है वो अलग ही दिखने लग जाएगा। अगर आप फेशियल कराते हैं, पार्लर जाते हैं, तो आप घर पे अगर ये ट्रिक से आलू को इस तरीके से यूज़ करके घर की चीज़ों से इस तरीके से आप चेहरे पे लगाएंगे तो आपके चेहरे में रिज़ल्ट वो 100% दिखाई देगा। नींबू तो सबके घर में मिल ही जाता है इस टाइम। इस तरीके से एक ले लिया नींबू, नींबू किसी के सूट करता है किसी के नहीं करता है, किसी की जैसे कि नॉर्मल स्किन होती है उसके सूट कर जाता है, किसी की सेंसिटिव ज़्यादा ही होती है यानी कि चेहरा थोड़ा लाल होता है धूप में निकलते ही और फुंसियाँ भी ज़्यादा ही रहती हैं। तो आप प्लीज़ इसको नींबू को बिल्कुल भी मत लगाइए, स्किप कर दीजिए, क्योंकि आपके जो चेहरे पर जो पिम्पल्स हैं भरने लग जाएंगे। इसलिए मैंने यहाँ आपको इसलिए बताया कि आप इसकी जगह गुलाब जल भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, रोज़ वाटर भी ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने डाल दिया एलोवेरा जेल, एलोवेरा जेल, नींबू स्किप कर रहे हैं तो उसकी जगह गुलाब जल। अगर आपकी स्किन है वो नॉर्मल है चेहरे की यानी फेस की तो आप उसकी जगह नींबू ले सकते हैं, बट आपके पिम्पल्स होते हैं, सेंसिटिव स्किन है तो आप नींबू बिल्कुल यूज़ ना करें, वरना जो हमारे चेहरे पे पिंपल्स हैं, जो डार्क सर्कल हैं, जो झुर्रियाँ सी पड़ जाती हैं वो डबल होने लग जाती हैं। इस तरीके से एलोवेरा जेल लेके नींबू और आलू का रस लेके जिसे मिक्स कर लेंगे, इसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा आता है। एंड मैं गारंटी से बता सकती हूँ, जो भी मैंने रेमेडी आपके साथ शेयर की है, मैं हर रेमेडी को पहले यूज़ करती हूँ। ये मैं घर पे यूज़ करती हूँ और बहुत लोग यानी कि इस रेमेडी को यूज़ करते हैं, उनको रिज़ल्ट भी दिखाई देता है, इसलिए मैं आपके साथ ये रेमेडी शेयर करती हूँ। तो आप भी इस तरीके से आपकी स्किन को ग्लोइंग बना सकते हैं, यानी कि चेहरा है फेयर हो जाएगा, हाथ पैर अलग से ही फेयर हो जाएंगे। इसको आप हाथ पैर पे भी लगा सकते हैं एंड फेस पे भी लगा सकते हैं। फेस पे तो यानी कि लगाना ही है, आप इसको हाथ या पैर के ऊपर भी लगा सकते हैं, इसका रिज़ल्ट और अलग ही दिखाई देगा। और आप ऐसे ही रेमेडी और भी चाहिए तो आप मेरे को प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।